हाय फ्रेंड्स, अगर आप इंजीनियरिंग के नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सरफेस टेंशन और कैपेबिलिटी जो इफेक्ट है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कृपया ये वीडियो एंड तक देखिएगा और पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। इस तरह से आप सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है फुल्ली क्लियर कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हम आगे जाए इससे पहले हम दो स्मॉल वीडियो देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक बूंद है वाटर का। ये बूंद हम दूसरे एक ऑब्जेक्ट से दो बूंद में डिवाइड करते हैं और वो यहाँ पे देखो किस तरह से स्मूथली वो डिवाइड हो जाता है। ओके, फिर से देखते हैं, स्मूथली वो दूसरे बूंद में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह हम एक दूसरा भी वीडियो देखते हैं। जो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, पहला वीडियो हमने देखा वो भी सरफेस टेंशन की वजह से हुआ था। ये वीडियो में ऐसा ही है। यहाँ पे एक रोड है, ये रोड सरफेस टेंशन की वजह से देखिएगा ये क्या हुआ, ये यहाँ पे से जो रोड था वह खींच के यहाँ आ गया ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्सेस। वो सरफेस टेंशन फोर्सेस क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सरफेस टेंशन इज डिफाइन एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। ओके, यानी कि जो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स का जो लेयर होता है लिक्विड का, उन लेयर पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के साथ एक ऐसा फोर्स लगाते हैं ताकि वो एक दूसरे के वो लेयर में ही टिके रहे। ये जो फोर्स लगता है वो सरफेस टेंशन फेनोमेना है। ओके, हम थोड़ा डीप में जाके समझते हैं। यहाँ पे हमने एक बी पॉइंट लिया और यहाँ पे एक ए पॉइंट लिया। ओके, यहाँ पे जो ए पॉइंट है उसमें जो मॉलिक्यूलर है ए पॉइंट पे, उस पर लगने वाला जो फोर्स है ड्यू टू उसके आसपास के जो सारे मॉलिक्यूलर से उसकी तरफ उसका जो फोर्स है वो इक्वल है सारी डायरेक्शन में। ओके, पर ये कंडीशन बी पॉइंट पे नहीं हो रही है। बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, लेयर चेंज होने की वजह से ऊपर का जो लेयर है वो लेयर पे होने वाले एयर के जो मॉलिक्यूलर्स है उनका फोर्स और मॉलिक्यूलर्स ऑफ लिक्विड जो डाउनवर्ड के साइड है उनका जो हम फोर्स जो लगाते हैं, फोर्स का जो कैलकुलेशन करते हैं दोनों के बीच का, वो डिफरेंट मिलेगा। यानी कि यहाँ पे हम देखिए, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट में एक एफ वन फोर्स ऊपर की तरफ, एफ टू फोर्स डाउनवर्ड की तरफ लगेगा, तो एफ वन क्या होगा कम होगा और एफ टू क्या होगा ज़्यादा होगा। इस वजह से ये बी पॉइंट डाउनवर्ड साइड खींचा रहता है। इसी तरह दो और फोर्स है एफ थ्री और एफ फोर, वो दोनों एफ थ्री और एफ फोर ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल है और यही सरफेस टेंशन का रूल यहाँ पे सामने आता है, क्योंकि बी पॉइंट दोनों तरफ से खींचा रहता है और जो सरफेस टेंशन का जो फेनोमेना है यहाँ पे ही से ही क्रिएट होता है। ओके, तो थस द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एक्ट्स लाइक ए वेरी थीन फिल्म अंडर टेंशन ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड एक्ट्स एज थ्रू इट इज एन इलास्टिक मेंबर अंडर टेंशन। हमने सरफेस टेंशन के बारे में तो देखा, पर एक और इफेक्ट है कैपिलैरिटी।